अमरावती शहर के सिरहाने पास ही में सुप्रसिद्ध श्री क्षेत्र तपोनेश्वर में पानी की समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए तपोनेश्वर मंदिर के पदाधिकारियों ने लोगों से सहभाग मांगा था और कहा था कि हमारी इस समस्या को हल करने में हमारे साथ आइए। उनके इसी आवाहन को स्वीकार करते हुए द पावर ऑफ मीडिया के जिला अध्यक्ष उमेश जी लोटे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वहां मौजूद पत्रकार और इतर सामाजिक कार्यकर्ताओं से आवाहन किया था कि क्यों ना हम सब मिलकर एक दिन इस श्री क्षेत्र में श्रमदान करें, जिससे कि श्री क्षेत्र की पानी की समस्या को हल किया जा सके। पावर ऑफ मीडिया के जिला अध्यक्ष उमेश जी लोटे के इस आवाहन को प्रतिसाद देते हुए समाज कार्य महाविद्यालय की ओर से छात्र छात्राओं ने श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष प्रमुख रूप से मौजूद रहे। महाविद्यालय के 53 छात्र छात्राओं ने मिलकर यहां पर जंगलों में अपने शुभ कार्य को अंजाम दिया। इसके साथ ही एक छात्रा ने बात करते हुए बताया कि इस श्री क्षेत्र में आकर श्रमदान करते हुए बहुत ही आनंदमयी एहसास हो रहा है और अगर हमें बार बार यहाँ पर बुलाया जाए तो भी हम इस कार्य को करने से पीछे नहीं हटेंगे। श्रमदान का महत्व छात्रा ने बताते हुए VCN न्यूज से अपनी भावनाएं व्यक्त की। खूप चांगलं वाटत, कारण हे ठिकाण जे आहे आम्हाला खूप निसर्गरम्य वातावरण आहे इथे, तेच नाही तर आम्हाला इथे श्रमदान करून खूप उत्साह मिळालेला आहे आणि इथे पुन्हा येण्याची आमची इच्छा आहे। आम्हाला जर इथे परमिशन मिळाली एनएसएस कॅम्प आणायची तर आम्ही इथे नक्की येऊ। पुणेकर क्षेत्रामध्ये पूर्वीच्या काळी हे नदीचं स्वरूप होतं आणि कालांतराने ती नदी बंद झालेली आहे, नाल्यात रूपांतर झालेलं आहे आणि हा नाला गाळाने साचलेला आहे। त्यामुळे संस्थेने असा संकल्प केला आहे की यात पुनरुज्जीवन करावं म्हणून बडनेर येथील सामाजिक समाज कार्य महाविद्यालयाकडून ही माझे विद्यार्थी त्यांना आमंत्रित केलेले आहे आणि त्यांचे जे प्रमुख आहे खोडसकर सर त्यांचे संपर्क करून या ठिकाणी आज समाज कार्य महाविद्यालयाचे विद्यार्थी बहुसंख्येने इथे उपस्थित झाले आणि श्रमदान करीत आहेत।